नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ में सभी कॉलेज के रेगुलर छात्रों को जनरल प्रमोट यानी कि आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर प्रमोट कर देगा। उनको 50% के अंक के हिसाब से उनको नंबर दिया जाएगा। आंतरिक मूल्यांकन और पिछले वर्ष के प्रतिशत के आधार पर नंबर दिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इसी में देखते हैं कि तकनीकी छात्र को जो है टेक्निकल है उन और मेडिकल फील्ड के छात्र हैं उनको जनरल प्रमोट नहीं किया गया है। लेकिन आज दोस्तों तकनीकी छात्रों को के लिए बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, जिसमें युवा शक्ति ने CSVTU के कुलपति को सौंपा ज्ञापन। दोस्तों जनरल प्रमोशन के लिए तकनीकी छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर जनरल प्रमोशन देने का मांग उठ रहा है। दोस्तों जैसे इंजीनियरिंग छात्रों का कहना है कि तकनीकी विश्वविद्यालय और मेडिकल फील्ड से जुड़े सभी छात्रों को इसमें शामिल नहीं किया गया, इसमें अलग से भेदभाव हो रहा है। इस संबंध में छात्र संगठन युवा शक्ति के पदाधिकारी ने आज दोस्तों यानी कल का यह है आज का न्यूज़पेपर है, CSVTU भिलाई के कुलपति के नाम एक कुल सचिव KK वर्मा को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें युवा शक्ति के पदाधिकारी अमरजीत साहू, दिनेश्वर भारती, राहुल कुमावत तथा बिलाल खान ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किए गए आदेश में नॉन टेक्निकल के फर्स्ट सेकेंड ईयर के छात्रों को परीक्षा नहीं ले जाने का आदेश जारी किया गया है, जिसमें तकनीकी विश्वविद्यालय और मेडिकल को छोड़ दिया गया है, जिसमें शामिल नहीं किया गया। सौंपे गए ज्ञापन में दोस्तों इसी पे को कहा गया है कि हमें भी जो है प्रमोट किया जाए आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर, किंतु दोस्तों नहीं किया गया। इसी आधार पर उनको जो है CSVTU कुलपति को जो है ज्ञापन सौंपा गया है।